के सिंगरौली जिले में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी जिले में शिक्षा की गुणवत्ता जीरो है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के शिक्षक, जो खुद का अक्षर ज्ञान भी नहीं है। हालात इतने खराब है कि अधिकारी भी गुरु ज्ञान को शर्मनाक बता रहे हैं। कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा भविष्य की नींव होती है, लेकिन सिंगरौली जिले की यह नींव खोखली एवं गुणवत्ताहीन तैयार हो रही है। जिला आज भी निरक्षर है और पिछड़े जिलों की गिनती में आता है। सरकार ने इस जिले को साक्षर बनाने का जिम्मा जिन शिक्षकों को मोटी तनख्वाह के साथ सौंपा है, आज हम उन्हीं शिक्षकों के अक्षर ज्ञान से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। सिंगरौली जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की हालत कितनी खराब है, ये जानने के लिए गहिलहरा मिडिल स्कूलों का भ्रमण करके आपको जान सकते हैं। गहिलहरा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को जनरल नॉलेज भी नहीं है। वहीं कई छात्र ऐसे मिले जिनको आम अमरूद तक पढ़ना व लिखना नहीं आता। मिडिल स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश में महीने और हफ्तों व दिनों का नाम तक नहीं लिख पाते। जब प्रधानाचार्य जवाहरलाल शाह से पूछा गया कि कलेक्टर की स्पेलिंग क्या है, तो वह हकलाने के साथ साथ बाल खुजलाने लगे। वहीं कलेक्टर व नॉलेज इंग्लिश में लिखने के लिए कहा गया तो बोर्ड पर कुछ और ही लिख दिया। जब पढ़ाने वाले गुरु की हालत यह है, तो पढ़ने वाले बच्चे का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कलेक्टर की स्पेलिंग आप लिखो, कर बताएंगे आपसे। पूरे बच्चे जिनने जिन मैंने पूछा भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, सिंगरौली के कलेक्टर का नाम। सर आप क्या ये सही लिखे हैं? मंत्री का नाम ये क्या सही लिखे हैं? भारत का प्रधानमंत्री का नाम। सर थोड़ा सा आप हेल्प कर, ये कलेक्टर की स्पेलिंग लिखे हैं सर, इनको बता दीजिए कैसे लिखाएगा। आप लिखते हैं सर, विद्यालय प्रभारी हैं आप लिखें। क्वालिफिकेशन क्या था सर आपका? बीएड। सर आप कलेक्टर की स्पेलिंग बच्चों को बता दें क्या है, सही है सर? ठीक है। पहले वाला सर? पहले वाला सही नहीं था सर। आप थोड़ा सा नॉलेज की स्पेलिंग लिख दें, आप प्रभारी हो। सॉरी सर, लिखें सर अपने नॉलेज से आप। क्या